जय श्री स्वामीनारायण। स्टैंडर्ड 6 सोशल साइंस, चैप्टर नंबर 5 गुजरात एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्टेशन। स्टैंडर्ड 6 सोशल साइंस, चैप्टर नंबर 5 गुजरात कृषि औद्योगिक एवं यातायात। विद्यार्थियों, जिसे हमने हमारी पूर्व की क्लास के अंदर, इसी चैप्टर के अंदर हमने क्रॉप्स के बारे में और इरिगेशन सिस्टम्स के बारे में हमने स्टडी कर ली। आज हम लोग यहाँ गुजरात के अंदर किस किस की इंडस्ट्रीज़ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू टाइप्स ऑफ द इंडस्ट्री। द इंडस्ट्रीज हैज़ बीन डिवाइड इन 4 पार्ट्स। उद्योगों को हम 4 भागों में बांट सकते हैं और उसमें से सबसे फर्स्ट है हमारा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। नंबर 2 मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। 3rd वन है मरीन इंडस्ट्री और 4th वन है इंडस्ट्री बेस्ड ऑन फॉरेस्ट प्रोडक्ट। तो इस तरीके से 4 विभाजन हैं, वापस से ध्यान रखना। टाइप्स ऑफ द इंडस्ट्री में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, मरीन इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। उसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उसमें एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के अंदर आती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सुगर इंडस्ट्री, डेयरी इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सुगर इंडस्ट्री और डेयरी इंडस्ट्री। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर आता है सीमेंट, पेट्रोकेमिकल, इंजीनियरिंग, यूटेंसिल्स एंड टाइल्स ऑफ चाइना क्ले, केमिकल फर्टिलाइजर और डायमंड। मरीन इंडस्ट्री के अंदर फिश है, ये तो सोल्ट भी आती है, लेकिन हमारे यहाँ चैप्टर में हमको फिश इंडस्ट्रीज के बारे में बता रहा है। इंडस्ट्री बेस्ड ऑन द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, फॉरेस्ट से प्राप्त होने वाले रॉ मटेरियल से जो इंडस्ट्रीज चलती है, इसके अंतर्गत हमको पेपर इंडस्ट्रीज के बारे में दिया गया। अब नाउ फर्स्ट देसी है, आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। अब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में सबसे फर्स्ट है हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री। देखो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है इज द मेन सेंटर, अहमदाबाद इज द मेन सेंटर। गुजरात के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए मेन सेंटर है वो अहमदाबाद है। देयर आर टेक्सटाइल मिल्स, इसके अतिरिक्त सूरत के अंदर वडोदरा, राजकोट आल्सो। नाउअडेज क्लॉथ इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड ऑन पावर लूम। तो आपको पता हो जाना चाहिए कि देखें, यहाँ हमारा अहमदाबाद वो मेजर सेंटर है, इसके अतिरिक्त गुजरात के अंदर हमारे को सूरत, वडोदरा और राजकोट में भी हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमको मिलती है। फिर आता है आपका सुगर इंडस्ट्री। तो दिस इंडस्ट्रीज हैज़ डेवलप्ड मोर इन साउथर्न गुजरात। हम लोग गुजरात के बारे में पढ़ रहे हैं, बराबर से ध्यान देना। गुजरात के साउथ पार्ट में ज़्यादातर डेवलप हुई हैं। उसमें से देखिए, लोकेटेड जो सुगर इंडस्ट्रीज आर, मिल्स आर लोकेटेड इन बारडोली, गणदेवी एंड कोडिनाब। सुगर इंडस्ट्री है वो हमारे बारडोली, गणदेवी एंड कोडिना। नेक्स्ट आता है हमारा डेयरी इंडस्ट्री, दूध से इंडस्ट्री जो
विश्व पर प्रख्यात या भारत पूरे देश में अमूल का नाम। तो देखो दिस इंडस्ट्री हैज़ डेवलप्ड मोर इन साउथर्न गुजरात, सॉरी ये जो आपका देयर इज ए फ्यू डेयरीज सच एज दूधसागर एट मेहसाणा, अमूल डेयरी एट आनंद, बनास डेयरी एट पालनपुर, साबर डेयरी इन हिम्मत नगर और इसके अंदर मदर डेयरी इन अहमदाबाद। ये कुछ मेजर हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज हैं, तो वापस से ध्यान रखना इन गुजरात डेयरीज लाइक दूधसागर डेयरी मेहसाणा, दूधसागर से डेयरी मेहसाणा के अंदर है, अमूल डेयरी इन आनंद, बनास डेयरी इन पालनपुर एंड साबर डेयरी इन हिम्मत नगर और मदर डेयरी इन अहमदाबाद लोकेटेड। ये तो कुछ मेजर है, इसके अतिरिक्त कई छोटी छोटी और इंडस्ट्रीज भी डेयरी की हैं हमारे। तो इस तरीके से हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, शुगर इंडस्ट्री और डेयरी इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ा। अब नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सीमेंट इंडस्ट्री। तो ये हमारा मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, हम जो नाउ नेक्स्ट में पढ़ने जा रहे हैं वो मिनरल बेस्ड, मिनरल के आधारित। अब सीमेंट इंडस्ट्री आएगी, इसमें पेट्रोकेमिकल, इंजीनियरिंग, यूटेंसिल्स एंड टाइल्स ऑफ द चाइना क्ले, केमिकल, फर्टिलाइजर और डायमंड की बात आएगी। तो अब सबसे फर्स्ट हम वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सीमेंट। लाइम स्टोन इज द चीफ रॉ मटेरियल फॉर सीमेंट इंडस्ट्री। देखो सीमेंट इंडस्ट्री के लिए लाइम स्टोन, चूना, ठीक है, लाइम स्टोन मुख्य इसका मटेरियल है, रॉ मटेरियल है। सो सीमेंट फैक्ट्रीज आर लोकेटेड एट, यहाँ जो यहाँ पे चूना हमको मिलता है यहाँ गुजरात के अंदर, मुख्य रूप से जो लोकेटेड है उसमें द्वारका, सिक्का, पोरबंदर, रनवाव एक्सेट्रा, वेयर लाइम स्टोन इज अवेलेबल इन द लार्ज क्वांटिटी। तो देखो यहाँ पर जो सीमेंट इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड गुजरात के अंदर, जो सीमेंट इंडस्ट्री है वो द्वारका में, सिक्का, पोरबंदर और रनवाव, जहाँ पे हमें पर्याप्त मात्रा में लाइम स्टोन मिलता है। नेक्स्ट टाइम आता है हमारा पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज। तो इन दिस इंडस्ट्री आर्टिफिशियल फाइबर, कोलतार, रबर आर प्रोड्यूस फ्रॉम केमिकल्स ऑब्टेन फ्रॉम द मिनरल ऑयल। देखो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है वो जिससे हम आर्टिफिशियल फाइबर बनाते हैं, कोलतार बनता है, रबर, केमिकल ऑब्टेन फ्रॉम द मिनरल ऑयल, है ना, ये सभी जो है केमिकल ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल ऑयल। इट्स मेन सेंटर, इसका मुख्य सेंटर जो है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज का वो वडोदरा में। गुजरात रिफाइनरी इज लोकेटेड, गुजरात की जो रिफाइनरी है वो कोयली के अंदर है, नियर वडोदरा, कोयली नियर वडोदरा के पास में है। देर आर ए फैक्ट्रीज ऑफ कलर एंड केमिकल्स, अगर हम कलर्स और केमिकल्स की बात करें तो अतुल नियर वलसाड के अंदर है ना, जो वलसाड के अंदर है। अब यहाँ सबसे जो बड़ी द लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया इज लोकेटेड जामनगर। देखो हमारी पेट्रोकेमिकल जो यहाँ हम बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी जो रिफाइनरी है वो जामनगर में स्थित है। नेक्स्ट में आता है हमारे इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। अब देखो इंजीनियरिंग इंडस्ट्री का मतलब होता है इंडस्ट्री विच प्रोड्यूस स्मॉल एंड लार्ज इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट एंड देयर स्पेयर पार्ट्स। अब देखो यहाँ इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज की बात करें तो यहाँ पे स्मॉल एंड लार्ज इंडस्ट्रियल, छोटे और बड़े इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स, साधन बनाए जाते हैं या उनके जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं, है ना, जैसे बोल्ट है, नट्स हैं, ये सभी जो चीज़ें होती हैं स्पेयर पार्ट्स होती हैं, इज कॉल्ड इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, जिसे हम इंजीनियरिंग इंडस्ट्री कहते हैं। अब जो यहाँ मेन सेंटर्स जो हैं ऑफ द इंडस्ट्रीज आर फाउंड इन राजकोट, वडोदरा, भावनगर, नवसारी एक्सेट्रा आर द मेजर सेंटर ऑफ दीज इंडस्ट्रीज। इस इंडस्ट्री के, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के मुख्य सेंटर कहाँ कहाँ हैं, ध्यान दे वापस से,
राजकोट, वडोदरा, भावनगर, नवसारी मेजर सेंटर हैं यहाँ इस इंडस्ट्री के। तो वापस से ध्यान रखना, सबसे पहले तो इंडस्ट्री पर क्या करती है ध्यान देकर, द इंडस्ट्री विच प्रोड्यूस, ऐसी इंडस्ट्री जहाँ स्मॉल एंड लार्ज इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, छोटे बड़े इक्विपमेंट्स और उसके स्पेयर पार्ट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। अब उसमें से देखिए राजकोट, वडोदरा, भावनगर और नवसारी, दीज आर द मेजर सेंटर ऑफ द इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज। अब नाउ नेक्स्ट में केमिकल यूटेंसिल्स एंड टाइप्स ऑफ द चाइना ग्रह। अब नाउ नेक्स्ट में जो आर्टिकल्स ऑफ चाइना एंड टाइप्स इज गुजरात फ्रॉम चाइना क्ले आर प्रोड्यूस एट थान। गुजरात के अंदर यूटेंसिल्स और चाइना क्ले का जो प्रोड्यूस प्रोडक्शन होता है वो थान, वनाकबोर, वंकानेर, इसके बाद में यहाँ पे द्रंगरदा वाइल टाइज इंडस्ट्री हैज़ डेवलप इन मोरबी। तो देखिए यहाँ सबसे पहले बराबर ये चाइन जो है वाकानेर और दंगंद्रा ऑफ द गुजरात जो डेवलप टाइज की जो है वो मोरबी के अंदर है। फिर नेक्स्ट में आता है आपका केमिकल फर्टिलाइजर, द इंडस्ट्रीज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर विज यूज इन एग्रीकल्चर आर लोकेटेड। देखो जो केमिकल फर्टिलाइजर हम ज़्यादातर हमारी खेती के अंदर इसका काम करते हैं, जो मुख्य रूप से वडोदरा, कंडला, कलोल और सूरत में स्थित हैं। देखो ये केमिकल फर्टिलाइजर्स जो है मुख्य रूप से वडोदरा, कंडला, कलोल और सूरत में है। फिर नेक्स्ट में जो आता है हमारे यहाँ डायमंड इंडस्ट्री, मेनी पीपल ऑफ गुजरात इन्वॉल्व इन डायमंड इंडस्ट्री एंड अर्न देयर लाइवलीहुड। डायमंड इंडस्ट्री मुख्य रूप से जो डेवलप है वो इन सूरत, भावनगर एंड अमरेली डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। देखो अधिकतम जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो इस इंडस्ट्रीज के अंदर डायमंड इंडस्ट्री में अपना जो जीवन यापन कर रहे हैं गुजरात के लोग, ये मुख्य रूप से जो भावनगर गुजरात और अमरेली, सूरत भावनगर और अमरेली, और अगर हम सूरत माने तो इसका मेन सेंटर है। कुछ हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर्स की और भी बात करें तो गुजरात आर लोकेटेड इन वडोदरा जिसके अंदर बाजवा, कांडा, कलोल, सूरत और अजीरा भी हैं। अब नाउ नेक्स्ट में हमारा यहाँ थर्ड है मैरीन इंडस्ट्री या सी बेस्ड इंडस्ट्री, समुद्र से मिलने वाले, ठीक है, तो इस से मिलने वाले यहाँ जो आर्टिकल्स जो बनाए जाते हैं जिनके, तो अब उसमें से पहली जो इंडस्ट्रीज है वो है हमारे देखिए टू मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ गुजरात, फिशरीज एंड सॉल्ट मेकिंग आर सी बेस्ड। देखो मरीन बेस्ड है, सी बेस्ड को हम लोग, दूसरी जो इंडस्ट्री होती है हमारी वो सॉल्ट इंडस्ट्री और होती है, सॉल्ट इंडस्ट्री और फिशरी इंडस्ट्रीज मेन है। द फिशरीज हैज़ डेवलप्ड एट, फिशरीज जो है वो वेरावल, इसके बाद में नवी बंदर, जाफराबाद और उमरगाम इन गुजरात। तो ध्यान देना यहाँ जो है इसके बाद में देयर इज ए शार्क ऑयल रिफाइनरी एट वेरावल। तो फिशिंग इंडस्ट्री डेवलप्ड नियर द शोर्स ऑफ गुजरात। देखो पहली बात तो ध्यान देना कि समुद्र तटीय क्षेत्र में फिश इंडस्ट्री का डेवलप हुआ है नियर समुद्र, क्योंकि आपको जानते हैं कि मछलियों समुद्र के तटीय क्षेत्र तट समुद्र से मिलते हैं, तो इसलिए फिशिंग इंडस्ट्रीज डेवलप वेल, बहुत अच्छे यहाँ डेवलप हुए हैं नियर शोर्स ऑफ गुजरात, गुजरात के समुद्र तटीय क्षेत्रों पे, जिसमें वेरावल, बेड़ीपोर्ट, जाफराबाद और उमरगाम है। द ऑयल रिफाइनरी विच इज रिफाइंड द शार्क एस्टेब्लिश इन
वेरावल। तो इस तरीके से आपने ये देखे कि यह इंडस्ट्री जो फिशरीज इंडस्ट्रीज हैं वो कहाँ कहाँ हैं, तो वापस से ध्यान रखना वेरावल के अंदर है, इसके बाद में नवी बंदर, जाफराबाद और उमरगा। इंडिया एक्सपोर्ट सी वाटर फिश लॉबस्टर टू एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज। देखो हमारा भारत देश जो एक्सपोर्ट करता है सी वो वाटर की फिश जो हैं उसमें लॉबस्टर एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ को। अगर हम लोग यहाँ एक और इंडस्ट्री देखें जिसमें सॉल्ट इंडस्ट्री की बात करें, ठीक है, तो देखो वहाँ समुद्र तटों में के क्षेत्रियों में हमको सॉल्ट इंडस्ट्री मिलती है, जिसके अंदर देखिए कच्छ, सुरेंद्रनगर, देवभूमि, द्वारिका, जामनगर, भावनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द गुजरात, देर इज अ लार्ज सॉल्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एट भावनगर। तो देखिए यहाँ सॉल्ट इंडस्ट्री भी हमारे यहाँ भारत के अंदर, यहाँ गुजरात के अंदर सॉल्ट का भी प्रोड्यूस होता है। वैसे आप खुद जानते हैं कि गांधी जी ने जो सॉल्ट लो की शुरुआत है ना, सॉल्ट लो ब्रेक करने की जो शुरुआत भी यहाँ दांडी नामक प्लेस पर की थी। तो इसीलिए देखिए यहाँ सॉल्ट इंडस्ट्री है वो कच्छ में है, सुरेंद्रनगर, देवभूमि, द्वारका, जामनगर, भावनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, और यहाँ सबसे बड़ा रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है वो सॉल्ट के लिए है भावनगर में। तो इस तरह से हमने इन दो इंडस्ट्रीज़ के बारे में और पढ़ा, और लास्ट जो इंडस्ट्रीज है आज की और वह है फॉर इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन फॉरेस्ट प्रोडक्ट। अब देखिए यहाँ फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स से कौन कौन सी इंडस्ट्रीज होती हैं, तो देखो यहाँ पेपर है, वुडन इंडस्ट्री है, इसके बाद में फर्नीचर, वुडन फर्नीचर, बोट्स, रेलवे कोचेज, स्लीपर, मैजिस्टिक्स, टी बॉक्सेस, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ऑफ मेडिसिन, डोर्स एंड विंडोज ऑफ द बिल्डिंग, चारकोल एक्सेट्रा आर फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। तो देखो यहाँ फॉरेस्ट से मिलने वाले मटेरियल से जो कुछ इंडस्ट्रीज हैं उनमें से देखिए कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं, वापस से ध्यान रखना, पेपर, वुडन फर्नीचर, बोट्स, रेलवे कोचेज, स्लीपर्स, मैच स्टिक, टी बॉक्सेस, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, मेडिसिन, डोर्स एंड विंडोज ऑफ बिल्डिंग, चारकोल आर फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। अब इसके अंदर देखिए पेपर इंडस्ट्री के बारे में आपको यहाँ तक अधिकतम बुक के अंदर दे रखा है, द पेपर इंडस्ट्री इन गुजरात डेवलपिंग तापी एंड राजकोट डिस्ट्रिक्ट। पेपर पल्प, जो पेपर पल्प इज द रॉ मटेरियल फॉर पेपर इंडस्ट्री। देखो पेपर इंडस्ट्री के लिए हमें पेपर पल्प की ज़रूरत होती है, और पेपर इज प्रोड्यूस इन तापी, वडोदरा एंड राजकोट डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात। गुजरात के लिए यहाँ तीन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर तापी, वडोदरा और राजकोट डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमें उपलब्ध होता है। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने गुजरात के अंदर पनपने वाली इंडस्ट्रीज़ के बारे में आपको बताया। तो वापस से इनको देखिए आप लोग चार भागों में डिवीज़न करें। सबसे पहले इन फोर डिवीजन्स का नाम ध्यान देते हैं, फर्स्ट वन इज़ द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, सेकंड वन मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, थर्ड मरीन इंडस्ट्री या सी है ना, समुद्र तटीय क्षेत्र से मिलने वाले, समुद्र से मिलने वाली कच्चे सामग्रियों से, इसके बाद में इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन फॉरेस्ट प्रोडक्ट। तो इस तरीके से आपको ये पूरा चार्ट बताया है, इस चार्ट के अंतर्गत सभी के ऊपर एक्सप्लेन किया है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं गुजरात के बारे में, दिस होल नॉलेज इज अबाउट द गुजरात। अब गुजरात के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम हमारे को इनके प्रोडक्शन जो प्लेसेस हैं है ना, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इसका प्रोडक्शन होता है, तो यहाँ लगभग साउथ पार्ट या लगभग इन डेयरी तो गुजरात के लगभग सभी पार्टों में, जहाँ जहाँ इसका मिनरल हमें मिलता है इन दोस एरिया वी हैव द इंडस्ट्रीज। फिर हम मरीन लाइफ की बात करें तो ये लगभग हमारा समुद्र तटीय क्षेत्रों के अंदर ही अवेलेबल होता है, और बाकी का जो प्रोडक्ट है जहाँ हमें इस फॉरेस्ट के प्रोडक्ट हमें हर लगभग गुजरात के लगभग सभी क्षेत्रों में मिलते हैं, जहाँ छोटी मोटी कई इंडस्ट्रीज हमको देखने को मिलती है। तो डियर स्टूडेंट, राइट द नोट्स
इफ़ यू हैव द मैप बुक तो आप लोग अपनी मैप बुक के अंदर इसे राइट डाउन करें, इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करें। जय श्री स्वामीनारायण।